अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड देती हूँ बहुत सारी दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा है। इस दुआ के साथ मैं अपने गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ और कहती हूँ कि जब भी मैं आपके साथ इंट्रक्शन में होती हूँ तो देन मैं आपसे मैसेज शेयर करती हूँ और आज का मैसेज क्या है। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, कहाँ पर है शहजाद भाई, वेयर आर यू? यस, ये वाला जाहिद भाई, ओके ठीक है। अच्छा जी, हमने जो है आज छोटा सा मैसेज दूंगी, ज़्यादा कोई लंबी बात नहीं है। मुझे बड़ा अफसोस होता है जस्ट मैं ऑन द वे ड्राइव कर रही होती हूँ तो मैं देखती हूँ एम्बुलेंस गुजर रही होती है और सब लोग जो हैं मॉर्निंग में देन फॉलो टू एम्बुलेंस, वेरी बैड, क्योंकि वेरी बैड इसलिए कि ये अच्छी बात नहीं है। हमें उसको रास्ता देना है, न कि उसके पीछे फॉलो करना है। तो वो तो बेचारा कोई बीमार होता है तो मेरे दिल से बाखुदा एक दुआ निकलती है, बल्कि मेरे ख्याल में हर कोई ये दुआ करता होगा कि अल्लाह पाक इसको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और इसकी सेहत बेहतर हो जाए और इसके लिए आसानी हो। क्योंकि मैं एक दिल में सोचती हूँ आंखें बंद करके, अल्लाह पाक ये किसी का बेटा होगा, अगर कोई जेंट्स है तो किसी का भाई होगा, इसके छोटे छोटे 2-3 बच्चे होंगे, इसकी अम्मी होगी, इस तरह मैं सोचती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ अल्लाह, एकदम मेरे कुदरती जो है ना वो एक आंखें बंद करके एक दुआ निकलती है, अल्लाह इसे अपने ज़ुमान में रखना है, अल्लाह इसकी आसानी करना। तो जब हम वो वैसे ही इतनी तकलीफ़ में होता, पता नहीं किसी को हार्ट अटैक है, किसी का अल्लाह ना करे पैरालाइज हुआ है, किसी को क्या प्रॉब्लम हो गई है, तो आप लोग प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, एम्बुलेंस का रास्ता मत रोकें, उसको रास्ता देना कि सिर्फ ये वेट करें कि ये निकले तो हम इसके पीछे निकले। नहीं नहीं, ये हमारी हम एज अ कोई भी रिलीजन से हो, हमें ये कुछ नहीं सिखाया जाता। तो दूसरों का ख्याल रखें और अपना भी ख्याल रखें, क्योंकि कुछ ये एक सदका ही जा रही है। अगर आप थोड़ा सा भी कोई रास्ता दे रहे हैं ना, ये सदका ही जा रही है और अल्लाह पाक को ये सदका जो आपकी नीयत का हो, इसमें कुछ देना नहीं है, देना कुछ भी नहीं है, लेकिन अल्लाह पाक बहुत पसंद करेगा। लेट्स, ये छोटी सा मैसेज है और ऑफकोर्स मैं भी आपको मेरा ये छोटा सा मैसेज बहुत अच्छा लगेगा। लेट्स सी, आज है ऑफकोर्स डेली हमारा होता है, जब भी डिफरेंट सेगमेंट्स को आप हमारे गुड मॉर्निंग विद सभी में देखते हैं, लेकिन हेल्थ सेगमेंट जिसमें डिफरेंट हेल्थ कंसल्टेंट और हर्बलिस्ट और इसमें होम्योपैथिक डॉक्टर भी आ चुके हैं, हकीम भी आ चुके हैं और बच्चों से रिलेवेंट हर तरह की हम लोग डिजीज़ की बात करते हैं ताकि हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। और आज भी, क्योंकि एवरी वेनेसडे हमारे साथ बहुत ही सीनियर हकीम मौजूद होते हैं, हर्बलिस्ट भी हैं, और मैं उनके बारे में एक बात कहूँ कि पिछली बार जब वो आए थे उन्होंने शुगर की बात की थी और नो डाउट इतना मुझे कॉल्स आई और हमारे जो है ना MCR वाले हिल गए, बोले ये क्या हो गया। तो हकीम साहब ने कुछ ऐसी बात की जिसे कहते हैं 100% श्योरिटी, कि मैं शुगर का गारंटी से इलाज करता हूँ। मैं भी थोड़ा हिल गई थी कि डॉक्टर साहब ऐसी बातें क्यों करें। उन्होंने कहा सभी मैं इस जगह पे बैठ के बात कर रहा हूँ, तो बस एक बंदा जब ऑन एयर बात करता है ना तो वो कॉन्फिडेंट होकर बात करता है, तो सब लोग वैसे ही शॉकिंग हो जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ अपना एक ऐड चलाते हैं और साइड पर हो जाते हैं, लेकिन पर्सन सामने बैठे हुए, तो वो कौन मौजूद है। तो मैं मिलवाती हूँ हकीम साजिद इस्लाम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सभी? अल्लाह का शुक्र, खैर खैरियत है, आप सुनिए कैसी हैं? फर्स्ट क्लास। और मैं फिर एक बार आप लोगों को बताऊँ, इस वक्त मौजूद है बहुत ही सीनियर बेहतरीन हर्बलिस्ट और हकीम, जिसे हम कहते हैं जो नब्ज सनाशा होते और नब्ज देख के बताते हैं, तो हकीम साजिद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। हकीम साहब, पिछली बार आप आए जी, आपने यहाँ पर फर्स्ट एंट्री दी और हिला गया, ऐसा क्यों? अस्सलाम वालेकुम, एक नाज़रीन से मैं सलाम करूँ और सभी आपकी तरफ आऊँ, क्योंकि जब से मैंने हिकमत में कदम रखा था तो एक तो ये कदम रखा और जैसे अल्लाह तबारक तआला ने तौफीक दी सर्च की मुझे जी, और एक सबसे पहला फिक्रा जो मैंने पढ़ा था वो ये था कि अल्लाह तबारक तआला ने दुनिया के अंदर कोई मर्ज नहीं उतारा जिसका इलाज नहीं उतारा। उस तभी से लेके अब तक मैं ऐसे अमराज के सर्च में ही रहा था और अल्लाह ने मुझे उन अमराज में कामयाबी दी, जिसमें चीदा से जैसे एक शुगर का आपके साथ मेरा प्रोग्राम हुआ है, इसी तरह गंजपन के लिए भी मैंने एक सर्च की और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें कामयाब हुआ कि गंजे बंदे के जो हैं वो बाल आ सकते हैं। फिर इसके साथ साथ क्योंकि शुगर से आपको पता है जुड़े बहुत से अमराज हैं,
अगर मैं कहूँ कि शुगर एक बल्कि कन्फर्म शुगर बहुत से अमराज का मजमू है, ठीक है जी। इसी तरह जो डिलाइसिस के पेशेंट से गुर्दा फेलियर के पेशेंट हैं, जिनको मैं ये कहूँ जैसे आप मैसेज दे रही थी, इसी तरह दिल दर्द करता है, ऐसा मरीज जिसका गुर्दा फेल हो चुका है, वो अपनी ज़िंदगी के दिन पूरे कर रहा होता है और वो लड़ रहा होता है, ठीक है। एक तो कुछ इस तरह से है कि गुर्दा, जिस तरह हमारे जिस्म के अंदर तीन मेन ऑर्गन्स हैं ना, जिनको हम ज़ाहिर हिस्सा बोलते हैं, जैसे दिल, दिमाग, जिगर जी। मेरे मुशाहदे में, क्योंकि ये तो एक हमारे कुलियात कानून है कि उसमें कौन से जो हैं वो हमने ज़ाहिर हिस्सा जो हैं वो मुंतखब हुए हैं, जिनकी वजह से ज़िंदगी नामुमकिन है। गुर्दों के बगैर बंदा जीता तो है, जैसे ज़ाहिर हिस्सा के बगैर जो दिल, दिमाग और जिगर तीनों में से कोई फेल होता है तो ज़िंदगी फौरी ख़त्म होती है, मैं बोलता हूँ। इसी तरह एक मेन हमारा ऑर्गन जो है ना, वो किडनी है, गुर्दा है। गुर्दा भी एक ज़िंदगी की आखिरी जो है स्टेप का ही सेटअप होता है, लेकिन इसका इलाज, खुशी की बात तो यह है कि जब मेरे इसमें मरीज ठीक हुए तो बस इसके लिए मैं अल्लाह तबारक तआला का शुक्र अदा कर सकता हूँ कि अल्लाह पाक ने एक इतना बड़ा यानी कि एक एजाज मुझे बख्शा है कि मैं एक बहुत से मरीजों को गुर्दा फेलियर से निकालने में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो चुका। अच्छा साजिद साहब, मैं एक बार फिर नाज़रीन को बता दूं कि आज हमारा हेल्थ टॉपिक ये है कि हम किडनी और जो है गुर्दों से रेलेवेंट बात करें। जो लोग डायलिसिस पे चले गए हैं, जो लोग जो है गुर्दे जिनके बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और फिर वो लोग डायलिसिस भी करवाते हैं, या किडनी में स्टोन हो जाता है, कुछ ज़रात हो जाते हैं, इन्फेक्शन होता है यूरिन, और फिर उसके साथ साथ शुगर भी हो, तो फिर सोचें कि इंसान की हालत क्या हो जाती है। तो आज हम उससे रेलेवेंट बात करेंगे और हमारे दरमियान बहुत ही सीनियर हर्बलिस्ट हकीम साहब मौजूद हैं, तो मैं मिलवाती हूँ अगेन आपको। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपको बता दूँ कि आज टॉपिक क्या है, तो अगर आपके इर्द गिर्द आपके बाबा, अल्लाह ना करे, वैसे तो अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, लेकिन कुछ लोगों को जब ये पता चलता है कि उनके गुर्दे ख़राब हो गए, कि आपका कोई भी नहीं, और फिर वो कुछ मतलब उसकी प्रोसीजर में जाना है, कुछ लोगों के गुर्दों में पानी और कुछ इस तरह बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं रेलेवेंट, कुछ लोगों के यूरिन में खून आने शुरू हो जाता है, ऐसा भी मैंने सुना है। तो ये सारी बातें आज डिस्कस होंगी। अगर आपके इर्द गिर्द किसी को भी प्रॉब्लम है तो देन आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। हकीम साजिद साहब यहाँ पर मौजूद है, मैं अगेन इनसे मिलवाती हूँ। जी जी, एक तो गुर्दा हमारे जिस्म का अहम उज है, एक अहम ऑर्गन है, और हम हिकमत में एक ऐसी बात को मैं बोलता हूँ, हम बोलते हैं कि वी रिपेयर ऑर्गन नॉट रिप्लेस ऑर्गन, यानी कि हमारा जो हिकमत के, हाँ जी, हम हिकमत के अंदर जो है यही काम करते हैं कि हम आपके अज़ा को रिपेयर करते हैं, ना कि रिप्लेस करते हैं। और अल्लाह के फजल करम से तिब जो है कुदरती तरीका इलाज है, जो अजल से ही चलता आया है, और अगर हम जदीद साइंस की भी बात करें, बुनियाद तिब ही है सबकी, बेसिक तिब ही है। तो बात गुर्दे पे चल रही है, गुर्दा हमारे जिस्म के अंदर सफाई का काम करता है, खून की सफाई का काम करता है, ठीक है जी। हमारे जिस्म के अंदर से सारे गंदे मादों को निकाल के मसाने में लेके जाता है, वहाँ से हम इसका इखराज कर देते हैं। शुगर हो या ब्लड प्रेशर हो, कोई भी मेडिसिन जो भी इंसान हमारे पास लेने के लिए आता है या किसी डॉक्टर के पास जाता है, एक ही सवाल करता है कि यार, अक्सर ये बात हमारे सुनने में आती है, भाई इसका गुर्दों पे तो कोई मसला नहीं होगा। अक्सर ये मुहावरा भी बोला जाता है जो आम बन चुका है, यार गुर्दों पे कोई मसला तो नहीं होगा। तो मीन के गुर्दे एक ज़ाहिर हिस्सा की, वाइटल ऑर्गन्स की हैसियत जिस्म के अंदर रखते हैं, ठीक है। गुर्दा फेल होने के अंदर जो चीज़ें शामिल हैं वो इस तरह से शुरुआत होती हैं कि सबसे पहले तो ये है कि इसमें दर्द किडनी में होना शुरू होगा। हाँ, ये बहुत अच्छा, ये नाज़रीन को अच्छा है, बताएं कि इसके हमें कैसे पता चलेगा हमारे गुर्दे खराब हैं, तो वो अब बता रहे हैं कि कैसे कैसे हमें नजर आते हैं कि उसकी कैसे प्रॉब्लम शुरू होती है। जी डॉक्टर साहब, देखिए, हम एक तो कुछ वजूहात बीमारियां होती हैं जिनका मैं बाद में जिक्र करूंगा, लेकिन जो काफ़ी हद तक हमें पता चल जाता है गुर्दा ख़राब है, इसमें गुर्दे के अंदर बारीपन रहना है, गुर्दे के अंदर पेन होना है, वोमिटिंग होती है। जी, वोमिटिंग तो एक ऐसे मरहल में होती है जब इन्फेक्शन हो जाता है गुर्दे। अच्छा। के अंदर, ठीक है, मतली का
एक मुसलसल रहना गुर्दे फेलियर की तरफ इशारा होता है, इंडिकेशन कर इंडिकेशन होता है। अच्छा, ब्लड प्रेशर के पेशेंट को इसके अंदर बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के जो मरीज़ हैं 70% डायलिसिस के ऊपर वही मेरे पास आ रहे हैं, 70% जिनके अचानक से बीपी शूट होने के बाद गुर्दे फेल होते हैं। इसका रीजन पता क्या होगा हकीम साहब? अगर आपने देखा होगा कि जो लोग रेगुलर मेडिसिन लेते हैं, जैसे शुगर की मेडिसिन रेगुलर होती है, जिनका हाई ब्लड प्रेशर होता है, वो तो वो उसकी वजह से फिर वो सारा ऑफ कोर्स हिट करता होगा किडनी को। क्यों? अच्छा इसका बेसिक जो पर्पस है ना जी, ये है सभी के गुर्दा जो है हमारे खून के जो प्रेशर होता है, उसका जो दबाव होता है ना, उसको मेंटेन करने के लिए कुछ ऐसे हार्मोन्स पैदा करता है जिससे हमारे खून का दबाव जो है ना वो बरकरार रहता है। अच्छा जी, गुर्दे ने क्योंकि जिस्म के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा चीजें हैं मांसवाय शक्कर और प्रोटीन के, इसने हर ज्यादा शक्कर और प्रोटीन को ये रिफाइन करके वापस भेज देता है, हमारे खून में शामिल कर देता है, उसको वापस खून को भेज देता है। लेकिन दूसरे जो मादे हैं जैसे फास्फेट हो गया है, जैसे एक्स्ट्रा प्रोटीन है, जैसे कैल्शियम है, जैसे इन फासिद मादों को वो बाहर निकालेगा, जिसको हमारे जिस्म में ज़रूरत से ज़्यादा जिनकी मिकदार बन रही होती है। अच्छा, ठीक है। मिसाल के तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेने वाले लोग जो हैं उनको किडनी स्टोन होना शुरू हो जाती है, किडनी स्टोन से ही किडनी इन्फेक्शन होना शुरू हो जाती है, मर्दों के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाने से पेशाब का कम आना इस चीज़ की इंडिकेशन है कि आपके गुर्दे के अंदर कोई मसला हो रहा है। अक्सर लोग पानी कम पीते हैं, पानी कम पीने से गुर्दे खराब हो सकते हैं। हमारे जिस्म को एक दिन के अंदर जो पानी की मकदार की जरूरत है, नॉर्मल इंसान को 8 से 10 गिलास पानी की जरूरत है, और बहुत ज्यादा पानी पीना यानी कि एक ही टाइम के ऊपर बंदा 2-3-4 गिलास पानी के पी रहा है, एक्स्ट्रा पानी पीना भी गुर्दों के फेलियर होने का मसला हो सकता है। जी बहुत ज्यादा पानी पीते रहना, और जो मैं हमेशा से एक बात बोलते आया हूँ, और अभी भी जब मैं आ रहा था तो ड्राइवर मेरे से ये बात कर रहा था कि सर भाई सुबह नहार मुँह पानी, क्योंकि मैं ओबर में आया हूँ अभी आते हुए, तो मुझसे सवाल कर रहा था। मैंने उसको बोला जी नहार मुँह पानी नहीं पीना चाहिए, तो उसने बोला जी हमने तो आज तक यही सुना कि खाली पेट पानी पीना चाहिए, क्योंकि खाली पेट। अकीम साहब एक बात बताएं। जी जी, अभी आपने ये बताना जरूरी है, एक तो कोई ऐसी बात कर देते हैं शॉकिंग, मैं हैरान हो जाती हूँ। अक्सर उस दिन इन्होंने कहा कि ये जो नीम गर्म पानी है इसको पता नहीं शहद डाल के इन्होंने कहा ये नहीं अच्छा, नहीं पीना चाहिए, पीना आज ये कह रहे हैं नहार मुँह, आज अब सुनते हैं ये क्या कहते हैं। देखें जी, हम जिस तरह गुर्दे के मुतालिक बात हो रही है और गुर्दे की सेहत के बारे में बात हो रही है, उसी के मुतालिक ये बात भी है कि कुछ लोग उठते हैं और सुबह सुबह अपना मैदा साफ करने के लिए पानी पीते हैं, ठीक है, जबकि हम जब रोजा खोलते हैं उसमें हम खजूर लेके रोजा खोलते हैं। इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, अगर मैं जदीद साइंसी तहकीकात के मुताबिक भी बात करूं, अमेरिका और बर्तानिया के अंदर ऑर्थरेटिक्स के जो पेशेंट हैं वो 60% हैं, ठीक है, और वहां के जो मुआलिजीन हैं वो निहार मुंह पानी पीना सख्ती के साथ मना करते हैं उन लोगों को जिनको ऑर्थरेटिक्स है। अच्छा। जोड़ों का दर्द है, गठिया है, कमर में पेन है, ठीक है, ये जदीद मैंने एक साइंसी तहकीकात पढ़ी थी, ऑक्सफोर्ड की थी, किस यूनिवर्सिटी की थी। इसके अलावा भी अगर मैं कुछ जैसे हमारे फुकहा थे, जैसे इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जो शख्स नहार मुँह पानी पीता है उसकी ताकत कम कर दी जाती है, और नहार मुँह पानी पीना हमारे नज़दीक भी, हम भी जो मैं मुशाहिदा करता हूँ, जोड़ों के दर्द का बाइस है, क्योंकि मैं बिला वजह से कोई बात नहीं फेंकता, मेरी एक जाती तहकीक है, मुशाहिदा है, मैं उसके अलावा बात नहीं करता, अल्लाह के फलो करम से। जिसको हम ये निहार मुंह पानी देखें, हम ये तो नहीं आपको बोले, हम मैं तो बोलता हूँ सेब खा के पानी पी लें, खजूर खा के पानी पी लें, मेरा तो आपसे ये है कि जब हम सुबह सुबह उठते हैं हमारे अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो तकरीबन 99 से 100 के बीच में ही होता है, तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, लिहाजा अगर आप इसमें एक ठंडा पानी भी एकदम फेंकते हैं ना, एक तो वैसे भी पानी नॉर्मल ही पीना सेहतमंदी की अलामत है,
कि हमेशा जो है आपने जो नहाना है वो तकरीबन गर्म से नहाना है, और जो खाना है वो नॉर्मल लेना है, यानी कि गर्म ना ज्यादा खाओ, ठंडा ज्यादा ना लो, इस तरह से नॉर्मल के अंदर आप अपने अंदर का जो आपका टेम्परेचर चल रहा होता हो कुदरती, उसके मुताबिक उससे थोड़ा अप डाउन रख के आप चीज खा सकते हैं, कोई मसला नहीं होता इसमें। तो गुर्दे के ऊपर जो हमारी बात चल रही है और निहार मुंह पानी पीने का जो मैंने जिक्र किया, वो इसलिए जिक्र किया कि दिन के अंदर आप ये देखें, नाश्ते से पहले पानी पिए, दरमियान में पानी पिए, सुबह उठ के आपने पानी पीना है तो शहद मिला के पानी पी लें, सभी सेब खा के पानी पी लें, कुछ खजूर खा के पानी पी लें, कुछ खा पी के पानी पी लें, दो गिलास पी लें, एक गिलास पी लें, नाश्ते से पहले पानी पिए, दरमियान में पिए, आधे घंटे तक पानी ना पिए तो बेहतर है, और ना ही आप कोई मेडिसिन लें इसके लिए, ठीक है जी। मेडिसिन भी अगर आपने लेनी है तो वो आधे घंटे बाद लें, जब आपकी गिजा जो है वो अंदर एक हजम होके अपना प्रोसेस पूरा कर चुके, फिर आप उसको मेडिसिन को लें। और क्योंकि आपको इस चीज का भी पता है, ये तो चलें ये इस बात का तो हर बंदे को पता है ना कि खाने के फौरी बाद पानी नहीं पीना चाहिए, ये तो सभी को पता है, ठीक है, सभी को भी पता है और सभी को भी पता है। तो लिहाजा देखिए जी, आप क्या सी बातें कर रहे हैं, देखना जी मैच कर रहा है, तो से जुड़े जुमले, हर आधे घंटे बाद, एक घंटे बाद आधा आधा गिलास, एक एक गिलास आप पानी पी के रात तक अपने 10 से 12 गिलास पानी के इसलिए पिए कि आपके जिस्म के अंदर आपकी खुराक से जो वो मादे जो एक्सोक्राइन जो हमारे जिस्म से बाहर निकालता है वो पानी इसको रिफाइन करे, और हमारे गुर्दे क्योंकि एक जालीनुमा एक नाकेदार जिसमें लाखों किस्म के, अगर इसको खुर्दबीन से देखा जाए एक कप की तरह के, कप की तरह के सुराख होते हैं हमारे गुर्दे के अंदर, इसके में गुदूद हैं और नाकेदार 10 लाख से ज्यादा सुराख हैं इसमें, 10 लाख के करीब, जो हमारे जिस्म में रिफाइन करते हैं हर स्याल मादे को, गैर जरूरी मादा, फासद मादा जिनको हम बोलते हैं, उनको जिस्म से पेशाब की नाली के थ्रू मसाने में लाके यूरेटर से इसको इखराज कर दिया जाता है, बिल्कुल ठीक है जी। तो औरतों के अंदर और मर्दों के अंदर थोड़ा सा प्रोस्टेंट का फर्क है कि उनमें प्रोस्टेंट ग्लैंड होता है, एक पेशाब का कम आना भी इस चीज की तरफ इशारा है कि मर्द है तो उसका प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ गया है, या औरत है तो उसके अपना यूरेटर के अंदर जो है प्रॉब्लम है, पेशाब की नाली के अंदर मसला है, ठीक है, यूट्रस में प्रॉब्लम की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से जो है गुर्दे में दर्द भी शुरू हो जाता है, पथरी बनने की वजह से इन्फेक्शन होता है, पथरी बनने की वजह से इन्फेक्शन की लोग ट्रीटमेंट पथरी के निकालने की फजूल किस्म की चीज़ें खाते हैं, पथरी को निकालने की कोशिश करते हैं, इतना ख्याल नहीं रखते कि गुर्दे का क्या होगा। देखिए मैं हमेशा से अपने नाज़रीन को ये बात बोलता हूँ कि पथरी निकालने से ज़्यादा अहम जो है वो गुर्दे की सेहत है आपकी। तो ये बताएं, अब ये तो हो गई हमारी इंडिकेशन या क्या क्या हो सकता है, हमें होता है जो, अब इसका सलूशन हमारे पास क्या है? देखिए मैं सलूशन आपको फूड में क्या है, मैं थोड़ा सा इसका इस्बाब देखूं बताऊं, चंद मैं चीजें बताऊं जिनसे आप थोड़ा एहतियात करेंगे। देखें शुगर के मरीज एहतियात करें, ब्लड प्रेशर के मरीज अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखें और पानी का ख्याल रखें, और गैर मामूली खारिश जो आपको हो जाती है इसके ऊपर भी आपके जिगर और किडनी का मसला होता है, हद से ज्यादा जो जिल्दी इन्फेक्शन होते हैं, जो एलर्जी होते हैं, या आपकी मतली अगर बरकरार रहती है हमेशा से, ये मतलब कि कुछ तो ऐसा हो जाता है बाज़ मरतबा मैदा खराब होने की वजह से मतली होती है, लेकिन मुस्तकिल मतली का रहना, उल्टी की कैफियत का रहना, ये कन्फर्म है कि आप अपने गुर्दों की तरफ मतवजह हो जाए। इसके साथ ज्यादा या कम पेशाब का आना, बहुत ज्यादा पेशाब का आना भी मसाने की कमजोरी, गुर्दों की कमजोरी होती है, और बहुत ज्यादा पेशाब का आना, दिल की धड़कन में खराबी होना, अच्छा इसकी जो वजूहात में बिला वजह आपके सांस का फूल जाना खामखा, और इसके साथ जो है आपको बहुत ज्यादा नींद आना, थकावट आना, छाती के अंदर दर्द होना, मतलब के गुर्दे की खराबी की वजूहात हो सकती हैं। क्योर कैसे करें? क्योर इसको हम इस तरह से करेंगे कि सबसे पहले तो हम बुरी आदतें छोड़ेंगे, तो वही तो मैं सुनना चाह रही हूं। अगर हम सिगरेट पी रहे हैं सिगरेट छोड़ेंगे, अगर हम शराब नोशी कर रहे हैं उसको छोड़ेंगे, फूड सप्लीमेंट आपने नहीं लेनी,
पेन किलर अपनी मर्जी से आपने नहीं लेनी, सेल्फ मेडिकेशन से आपने मुकम्मल अवॉइड करना है अगर आप अपने गुर्दों की ताकत और गुर्दों को अच्छा रखना चाह रहे हैं, और इस आपने ऐसी मेडिसिन नहीं लेनी जो आपको आरजी ताकत दें। मींस के एक छोटी सी मेडिसिन का मैं नाम लेता हूँ, व्याग्रा के नाम से एक मेडिसिन होती है जो गुर्दे फेलियर का बहुत ज्यादा सबब अच्छा, बनती है। कैल्शियम वो उसके विटामिन डी के इंजेक्शन लगवाते हैं, उनको लगवाना चाहिए? देखें वो बिल्कुल लगता है, लेकिन एक शख्स मैं आपको मिसाल देता हूँ, बहुत ज़्यादा प्रोटीन लिया जा रहा है, गोश्त बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है, ज़्यादा प्रोटीन लेना, ज़्यादा कैल्शियम लेना भी गुर्दों की खराबी का बायस बनता है। हमें एक दिन के अंदर नमक की मुनासिब मकदार लेनी चाहिए जो तकरीबन 5 ग्राम तक हो सकती है, 5.8 तक भी किया जाता है। बहुत ज्यादा नमक क्योंकि हमारे जिस्म में से शक्कर और चिकनाई को, ये शक्कर को और प्रोटीन को वापस आने में रोकता है, रुकावट पैदा करता है खून के बहाव के अंदर। गुर्दे के अंदर सबसे ज्यादा जो रुकावट पैदा करता है हमारे खाने गजा के अंदर वो नमक करता है। अच्छा, तो लिहाजा ये तो गुर्दे फेलियर के पेशेंट भी लेकिन जानते जो हैं। दूसरा नमक है, देखिए अब ऑफ कोर्स नमक के बगैर तो कोई खाना होता नहीं है, लेकिन ये बताएं कि हम लोग ये जो पिंक सॉल्ट है ये हमारे लिए ऐसा हर्बल कोई नमक है जो हम जूस में या किसी में? आपको अल्लाह तबारक तआला ने पाकिस्तान के अंदर जो पिंक नमक दिया है, चौड़ा नमक से जो निकलता जी है, जी जी, आपको अगर इसकी कदर का मालूम हो तो पड़ोसी मुल्कों से मालूम हो जाए, या फॉरन कभी आप जाएं तो आपको पता चल जाए इसकी कदर मालूम, इसकी कदर मालूम हो जाए आपको। हम देखें जो हमसे लेके वहां से हमारा इतना महंगा नमक वहां पे बेचते हैं, हम हैरान हैं, और आप बिला वजह दूसरे मुल्कों का इधर फलां मिला नमक, कुदरती नमक इस्तेमाल करें। आयोडीन अल्लाह तबारक तआला ने कुदरती चीजों के अंदर भी दी है, हमारे पास टॉन्सिल्स के आने वाले पेशेंट, थायराइड का थायरॉक्सिन बीच में चलते हुए मैं बता रहा हूँ आपको, सॉल्ट यूज कर सकते हैं। और बीच में मैं चलते हुए एक आपको बात बता दूं कि थायराइड का इलाज मेरे पास बेशुमार, मैं सैकड़ों के हिसाब से बोल सकता हूँ, थायरॉक्सिन मैं नहीं बिल्कुल खाने देता, थायरॉक्सिन कंप्लीट खत्म हो जाती है, T3 बड़ा हो, T4 बड़ा हो, TSH हो आपको, इसके अलावा थायराइड हो, हाइपोथायराइड हो आपको, इसके साथ साथ गिलहड़ हो, बगैर ऑपरेट के इलाज है। कॉल है तो सभी नहीं, नहीं नहीं अब बात कीजिए, मैं बोलता हूँ मौजू मुकम्मल हो जाए, कॉल का जब भी तो मैं अच्छा इसीलिए ले नहीं रही क्योंकि मेरा पिछले किसी मैं एक प्रोग्राम कर रहा था वहाँ पे भी मेरा टॉपिक रस्ते में रह गया। आप लोगों को पता क्या होता, आपकी इतनी कॉल जाती है, कॉल ना आज नहीं ले रही, बेहतर है जरा सुने क्योंकि ये पेशेंट जो है ना मेरी बात सुने, जो ऐसे गुर्दे के मजबूर पेशेंट है, अल्लाह तबारक तआला आप एक हमारे लिए भी, हम सबके लिए भी दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक हमारी मुश्किलात का हल करे। एक कॉल ले लें, इजाजत एक ले लेते हैं, चलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, आपका नाम क्या है? जी गुलाम कादर नाम है मेरा। कहाँ से कॉल की? ये सेवन शरीफ से, गुलाम कादर मुगल। अल्लाह अल्लाह, इतनी दूर से बड़ी, सेवन शरीफ से। जी 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 बिल्कुल, गुलाम भाई क्या पूछना है? मुझे दर्द है अरकन निसा का। अरकन निसा का? जी जी ठीक है, अरकन निसा का दर्द है, उसके लिए हिसाब से मशवरा लेना था। अच्छा चले, बिल्कुल बिल्कुल पूछते हैं। जी, एक तो मैं आपको बताऊं, मेरा नंबर जो है वो ऑन स्क्रीन चल रहा है, आप मेरा नंबर नोट कीजिए, अरकुनिसा का मेरा इलाज अगर शुरुआत है तो सिर्फ 12 दिन का है, सिर्फ 12 दिन का है, इसमें नस दबरी होती है मोहरों के नीचे, वहां से फिर राइट और लेफ्ट जो है किसी भी टांग के अंदर शिफ्ट हो सकता है। थोड़ी सी एहतियात बता के मैं अपनी मौजू की तरफ आता हूँ। अरकुनिसा के भी पेशेंट जो होते हैं ना वो सेल्फ मेडिकेशन दर्द को खत्म करने के लिए करते हैं, पेन किलर आपके डायरेक्ट किडनी के ऊपर हिट करता है जी। तो एक तो आपसे ये भी गुजारिश है कि बिला वजह से दर्द को खत्म करने की दवाइयां नहीं खाइएगा, और प्रोग्राम के बाद मुझसे राबता कर लीजिएगा, मैं आपको अरकुनिसा की मेडिसिन भिजवा दूंगा, आप एड्रेस बताइएगा, बलोचिस्तान में मेडिसिन जाती है। ऐसे पेशेंट को भी हम प्रोटीन कंप्लीट तौर पे मना करते हैं, रजी सारे गोश्त मना करते हैं जिसको अरकुनिसा का दर्द है, क्योंकि अरकुनिसा के अंदर मोटापा भी हो सकता है और कम मोटापे वाले लोग भी अरकुनिसा के अंदर हो सकते हैं। जिस तरह डायलिसिस के अंदर, गुर्दा फेलियर के अंदर होने वाले जो पेशेंट हैं वो मोटे भी हो सकते हैं और वो नॉर्मल जिस्म के भी हो सकते हैं। बाकी अरकुनिसा की मेडिसिन के लिए कुछ मैंने एहतियात आपको बता दिया जी, आप सारे गोश्त और दालें बंद करें, सब्जियों के सब्जियां खाएं,
और सेकंड नंबर पे ये है कि आप अगर नमाज के दौरान के अंदर लंबा सजदा करें तो भी आपकी नस निकलने में ये मसला हल क्या होगा, बात है, और जबरदस्त। वर्जिश करें आप। और एक ये ज़रूर ख्याल रखिएगा कि आप तर गर्म और गर्म तर चीज़ें खाएं, जिनमें से चंद चीज़ों का मैं आपको जिक्र कर दूं। आप जो है जैतून का तेल इस्तेमाल करेंगे, ओके, कैसे जैतून का तेल देसी इस्तेमाल घी करेंगे? खाने के ऊपर अच्छा डाल के, ठीक जब है, खा रहे हो तो ऊपर एक चम्मच डाल लें जैतून बहुत का, है, डाल बहुत लें रोटी की, बहुत है। एक दिन के अंदर एक शख्स 4 चम्मच जैतून के तेल के ले सकता इस्तेमाल। है, अच्छा किंग और साहब, गुर्दे के मरीज के लिए भी ठीक बहुत है। अच्छा है अच्छा ये। एक और बात आपने आज जी जी बतानी है कि हम लोग जो गुर्दे पे बात करें ना, जी जी तो ये पूछना चाहती हूँ कि गुर्दे हम जो घर की जो फूड्स वगैरह कैसे इस्तेमाल करें, वो आपने बताना है। वो मैं अच्छा जी, बताऊंगा। अगर ये शहजाद भाई उनसे पहले पूछ लें, अगर वो गुर्दे से रेलिवेंट कॉल करें ना, ये पहले पूछ लीजिए ताकि जी फिर जी हमारा उसकी सीक्वेंस जी चलता जी रहे, फिर हम बात जी कर जी लेंगे कॉलर कॉलर से। ठीक है जी अच्छा जी, अच्छा ये ऐसे है सभी के बुरी आदत, ज्यादा वो जो है गोश्त खाए जा रहे हैं आप, हाँ जी, सॉफ्ट ड्रिंक, एक ऐसी ड्रिंक पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हुई है, और मैं ये माजरत से बात बोल रहा हूँ, रेड कलर है उसका। देखें सॉफ्ट ड्रिंक कोई भी कलर की हो, पहले तो मैं आपको ये बात बताऊँ, वो काली हो, वाइट हो, वो रेड हो, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक का भेजा इस्तेमाल किडनी फेलियर की एक वाजिया निशानी है। मेरे पास लाल ड्रिंक पीने वाले लोगों के 17 साल के बच्चे, 16 साल के बच्चे कार्बोनेटेड मशरूबात ले रहे हैं, बोतलें मना कर दें अपने बच्चों को, सख्ती से रिवाज ख़त्म कर दें, ये अपनी नस्लों को बचाएं, सेहतमंद मुआशरा बनाएं, ठीक है, कि अल्लाह की बनाई हुई कुदरती चीज़ों के ऊपर फोकस करें। बेशक बेशक, देखें जैसे मैंने कहा कि गुर्दे का जो पेशेंट है वो, देखें रेस्टोरेंट पे खाना हम भी खाते हैं, सारी दुनिया खाती है, ठीक है, पोटाशियम और नमक की ज़्यादा मिकदार लेना हमारे गुर्दे फेलियर की तरफ जाता है, ठीक है। जो कुदरती, जो अगर देखें पाकिस्तानी लोग जो है ना वो चटपटे बहुत ज़्यादा हैं, सही कह रहे, इंडियन और मसाले वाले पाकिस्तानी, बहुत और खाने हैं। मसाले ठीक वगैरह बहुत ज़्यादा खाते हैं। अगर नमक की बात की जाए तो सारे दिन में हमारे जिस्म को जो नमक की ज़रूरत होती है ना, वो वैसे सब्जियों से मिल जाती है और फ्रूट से भी मिल जाती है, तो हमें ज़रूरत नहीं है वैसे भी लेने की, ये तो हम जायके के लिए नमक डालते हैं। अभी हमारा किचन चलेगा तो वो जायके के लिए नमक जो है वो उसमें डलेगा, ठीक है। तो इसलिए तो मुख्तलिफ किस्म की अदवियात का अपने मुआलिज के मशवरे के बगैर आप इस्तेमाल नहीं करें। पाकिस्तान में जिस तरह मैं एक बात बोलता हूँ जो मैं मजाक में भी बोलता हूँ और बात हकीकत भी है, कि पाकिस्तान की आवाम 23 करोड़ से अबव है बिल्कुल और इतने ही डॉक्टर पाकिस्तान में मौजूद हैं, क्योंकि सही कहा, आप जिस शख्स को भी पकड़ लें वो हकीम लेकिन बना नहीं नहीं हुआ या नहीं डॉक्टर लेकिन बना इससे हुआ है, कंपेयर करें तो एज कंपेयर टू लाहौर, कराची में सबसे ज्यादा है, ज्यादा है क्योंकि सेल्फ हमारी नेचुरल मेडिकेशन। चीजें, हम लोग नेचुरल हवा नहीं है बहुत सारी, एज कंपेयर टू अगर हम दूसरी तरफ इस्लामाबाद देखें, वहाँ ग्रीनरी है, जी हर जी चीज कुदरती है, तो यहाँ पर पानी भी प्योर नहीं है, तो हम लोग बस कैसे सेवरेज वाला पानी तो मिक्स हो जाता है। अच्छा एक लेडीज है आई थिंक, हेलो बात कर लें, किसी का वेट बहुत ज्यादा है, वैसे इनका नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, आप इनसे बाद प्रोग्राम में के भी बाद भी रब्ता कर बात कर सकते सकते हैं, हैं, कोई इश्यू नहीं है। मेरे नंबर पे जी कॉल जी आ इनके भी नंबर रही पर कॉल हैं, मैं कर इनको रब्ता करूंगा बाद में, जो जो मेरे नंबर चले, पे अच्छा कॉल आपने कर रहे बता हैं मैं दिया आपको ज़रूर रब्ता करूंगा जी, जो मुझे मिस कॉल भी दे दे मैं आपसे रब्ता करूंगा, चले ठीक जी, है जी। अच्छा नहीं आसानी अच्छा कर दी अच्छा ना। देखिए ऐसे होता है कि आप बैठी हुई हैं, प्रोग्राम में भी बैठी हुई हैं, मैं भी बैठा हुआ जी हूँ, हमें तो एक तो तसल्ली से कोई भी जो काम, देखें नमाज भी पढ़ते हैं वाशरूम से होके, तसल्ली से इबादत बिल्कुल भी की जाती है। ठीक है, बात देखें डिलीवर नहीं होगी तो फिर हाँ मजा जी, नहीं होगा ना। वॉशरूम जाने में ताखीर मत करें, आप अपना यूरिन रोक के रखेंगे आपके गुर्दे फेल के अंदर, क्योंकि देखिए पथरी भी तो यही करती है ना, पेशाब में रुकावट पैदा करती है, बिल्कुल प्रोस्टेट ग्लैंड भी तो यही करता है ना, पेशाब में रुकावट पैदा बिल्कुल करते हैं, ठीक कह रहे हैं, और बिल्कुल अगर आप खुद ही अपने पेशाब को रोक के रख रहे हैं, आजकल तो ये बात आम सी है कि आप पेशाब को रोक के रखते हैं और बैठे रहते हैं, आपके जिस्म के आपके पाँव के ऊपर, जी, आपके जिस्म के ऊपर सोजिश का हो जाना, सोजन, इस सोजन का हो जाना, अच्छा वर्म का हो वर्म जाना, हो जाते ठीक हैं, है, पांव फूल जाते हैं। सूज जाते हैं, जी इस जी चीज़ की अलामत है कि आपके गुर्दों के अंदर मसला आ चुका है, ठीक जी है। टेस्टों की बात तो मैं बहुत एंड पे करूंगा, इलाज की जी बात तो मैं बहुत एंड के ऊपर करूंगा, तो लिहाजा निकोटीन, चाय का ज्यादा पीने वाले लोग, कोल्ड और ड्रिंक बहुत से, हाँ जी कोल्ड ड्रिंक का बिल्कुल, मैं वो सॉफ्ट जिक्र ड्रिंक हो का जिक्र चुका, कर चुका हूँ। देखिए गुर्दे का अल्लाह तबारक तआला ने एक साइज बनाया है, ठीक है, हम कुछ लोग जेनेटिक, मैंने देखा है कि कुछ लोगों को, मैं आप बड़ी हैरत की बात बताऊं, अक्सर
मैं अगर बोलूं तो 30% लोगों को इतना ही नहीं पता कि उनके अंदर गुर्दा ही है क्या। रियली रियली मैं बात कर रहा हूँ, मेरे पास मैक्सिमम बहुत से ऐसे लोग हैं जेनेटिक तौर पे, कुदरती तौर पे उनका गुर्दा एक ही होता है, यानी कि जेनेटिक जो है कभी कभी हमें यही कभी मालूम ही होता नहीं है, होता काफी हद कि तक हम लोगों काफी का हद, एक अगर जी मैं परसेंटेज गलत बोल रहा हूँ मतलब कि बहुत दुनिया विरासती में तौर मौजूद पे है जैसे हम विरासती तौर कहते पे। हैं। ठीक अच्छा एक मैं बात ये बोलता हूँ, अगर मौरूसी तौर पे किडनी आपकी साइज में छोटी है, जेनरेटिंग ये मसला है आपके साथ, तो किडनी का साइज दोबारा से दोनों का इक्वल हो सकता है। इस इलाज में भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हो अच्छा चुका हूँ। सुभान देखें एक बात रजी याद रखिए कि अगर आपके जिस्म के अंदर कोई भी मसला होता है, मिसाल आपका जिगर फेल हो रहा होता है, तो उसका डायरेक्ट जो इफेक्ट है वो किडनी के ऊपर होता है। किडनी आपके जिस्म में एक वो हिस्सा है जो पूरे जिस्म के अंदर होने वाली बेतदालियों को झेलता यानी कि है। तमाम आपके एक्स्ट्रा गंदे मादों को एग्जिस्ट जी करता है, जी इखराज करता जी है पेशाब इखराज की सूरत इखराज में करता है और हाजत की सूरत में। जी, ठीक ऐसा होता है ना। मिसाल के तौर पे एक शख्स है, अगर उसका जिगर कमजोर हो रहा है, ठीक है उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट किडनी पे पड़ेगा। किडनी पे क्यों पड़ेगा कि जिगर की वजह से जो फाजल मादे होंगे वो ज्यादा बनना शुरू हो जाएंगे। जिस तरह आप अभी अपना किचन के अंदर कोई खाना बना रहे हैं, इसको सही तरह से जिगर ने एक चूल्हे की मानद है हमारे जिस्म ठीक के है अंदर, जिसने प्रॉपर गजा को तैयार करना है, क्योंकि इसका एक काम हीट भी देना है, गजा को तैयार करता है, उसको एक ठीक है स्टैंडर्ड टेम्परेचर के ऊपर तैयार करता है। और आप अगर ज्यादा आग करेंगे तो खाना जल जाएगा, कम आग होगे तो जल जाएगा। इसको हम हरारते स्टीम पे हो, हाँ जी, पकाएंगे हरारते हुरेजी, ठीक है, और हरारते ग्रेबी में जिगर आता है, जो हमारे जिगर के ऊपर एक हम बोलते हैं। अगर ये सही काम आपका लीवर नहीं कर रहा, इसका डायरेक्ट जो असर आपका होना है किडनी गुर्दे के ऊपर होना है, क्योंकि जबरदस्त स्याल मादे जिगर ज्यादा फेंकेगा ठीक 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 तो आपके जिगर को मसला होगा। मसूम तो लिहाजा ऐसी चीजों का अपनी जिंदगी में, ताजा फ्रूट का अपनी जिंदगी में इस्तेमाल लेके आए, ये फ्रूट जरूर अपने खानों के साथ लेके आए, सलाद का इस्तेमाल जरूर रखें, दूध का इस्तेमाल जरूर करें। अगर आपने चाय का इस्तेमाल करना है तो बहुत कम इस्तेमाल करें, बहुत ज्यादा चाय निकोटीन लेने वाले लोग भी इस मसले में आ रहे हैं, शराब नोशी करने वाले लोग भी अपनी किडनी से, कन्फर्म अपनी किडनी से और अपने लंग्स से हाथ धोते हैं। लंग्स से तो पहले धोते हैं, लंग्स में मसला होगा तो डायरेक्ट किडनी पे आएगा, किडनी खराब ठीक होगी। शुगर की और ब्लड प्रेशर की जितनी भी मेडिसिन एलोपैथिक के अंदर इंग्लिश मेडिसिन आ रही है, इस चीज के अंदर जानते हैं हमारे डॉक्टर हजरात भी कि उसका किडनी के ऊपर कितना इफेक्ट होता है शुगर को पतला करने के लिए। इसलिए मैं अपने लिपिड प्रोफाइल करवा के जब कोई पेशेंट आता है मेरे जी पास, जी वैसे तो एक बात मैं आपको बता दूं कि अल्लाह तबारक तआला ने एक हद तक मुझे इस चीज़ पे फोकियत बख्शी है कि मैं नफ्स शनासी करता हूँ। मैं टेस्टों से का भी टेस्ट, मैं भी गुर्दे के टेस्ट करवाता हूँ, मैं भी जो है यूरिया ब्लड टेस्ट भी करवाता हूँ, पेशाब का टेस्ट भी करवाता हूँ, ठीक है ठीक है, क्योंकि पेशाब के टेस्ट से भी हमें पता चलता है कि हमारे जिस्म से इखराज होने वाला जो जहरीले मादे हैं उसके अंदर कहीं शक्कर और प्रोटीन तो नहीं आ रही, अच्छा कि इन सब एल्बोमिन तो जिस तरह नहीं आ रहा, आपने टेस्ट गुर्दा की कोई। बात की ना, जी एक मिनट, तो एक तो मैं नाजीन को थोड़ा, क्योंकि अभी छोटी सी ब्रेक लेंगे, हम वापस आ रहे हैं। जी ठीक है जी 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 नाजीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हकीम साजिद साहब हमारे दरम्यान मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे, हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है गुर्दों से रेलेवेंट, और अब ये बताएंगे कि आप लोग इनको टेस्ट के जो पिक्चर्स हैं, ऑफ कोर्स नंबर इनका स्क्रीन पर मौजूद है, आप इनसे डायरेक्ट भी प्रोग्राम के बाद रब्ता कीजिएगा। कॉल इसलिए नहीं ली जा रही क्योंकि ये अपनी पूरी बात ब्रीफ करना चाहते हैं ताकि आपको पता चले कि आप अपने गुर्दों को घर बैठे बैठे भी बहुत ज़्यादा सेव कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। गुड मॉर्निंग विद सभी का ये किचन है और हम जो है इस वक्त
चीजें शक्कर लाइव शो है और आज किचन में क्या बन रहा है वो बताएंगी हमें शेफ ज़ैनब किरमानी। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सभी? ठीक ठाक है? आज मैं फाइनली आपके पास आ गई हूँ और इनकी फरमाइश पे बना रही हूँ, होस्ट की फरमाइश पे पालक पनीर आज मैं बना रही हूँ, क्योंकि आज हमारा टॉपिक भी कुछ ऐसे ही था कि हेल्थ से रिलेटेड है ना। आप तो फिर मेरी, मैं भी वेजिटेरियन हूँ, इनफैक्ट मैं गोश्त नहीं खाती और हमारा टॉपिक भी कुछ हेल्थ से रिलेटेड था, तो पालक पनीर इज अ गुड ऑप्शन आई थिंक। और मैं अपने तरीके से जी मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, मेरे पास ये है, जैसे कि कैमरा दिखा रहा है, कैप्चर करेगा, ठीक है ठीक है, ऐसे बताते रहो। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे है पालक, ठीक है, जिसको मैं आपको बताती चलूं कि मैंने इसको ब्लंच कर लिया था, राइट, इसको मैंने ब्लंच किया था, साथ इसमें सॉल्ट, ग्रीन चिलीज का पेस्ट भी इसके अंदर एडेड है, ठीक है, रेड चिली पाउडर बहुत लाइक लिटिल बिट, ठीक है, हल्दी है इसमें, ये सब मैंने करके इसको सिर्फ ब्लंच किया, इसको ब्लेंड किया, ठीक है ठीक है, इसको ब्लंच कर लिया, उसके बाद ये शक्ल है। अब मैं इसका कुकिंग स्टार्ट करूं। और इंग्रेडिएंट्स पहले बता दो। ये मेरे पास कसूरी मेथी है, ठीक है, ये जूलियन कट अदरक है, ठीक है, थोड़ी सी चिलीज है, ये फ्राइड अनियंस है जिसको हम लाल प्याज कहते हैं, ठीक है, और बेसिक इंग्रेडिएंट जो हमारे पास है ये हमारी कॉटेज चीजें जो कि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत जबरदस्त होती है, थोड़ा सा ऑयल है जिससे हम तड़का लगाएंगे कॉटेज चीज का, ठीक हो गया जी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं और ये मेरे पास जो है पालक है जी, बिल्कुल विदाउट ऑयल, ठीक है, मैंने आपसे कहा ना हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी है, जो लोग डाइट करना चाहते हैं, मैं अपने तरीके से ये बनाऊंगी और इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगा। इसने जाते ही पैन में डांस करना स्टार्ट कर दिया है यहाँ पे। अच्छा, इसका और ये इसके डांस है जी, चूल्हे तक आ रहे हैं, इस चूल्हे तक आ रहे हैं। exactly. कौन सी है? अच्छा, इसको थोड़ा सा पकाएंगे, ठीक है, प्याज भी ऐड करेंगे इसके साथ, ठीक है, टमाटर वगैरह इसमें कुछ भी नहीं ऐड हुआ हुआ, इसको थोड़ा सा क्रश करेंगे और थोड़ी सी प्याज इसमें डालेंगे, और बहुत झटपट सी क्विक रेसिपी है, हमारे गेस्ट आ जाएं या कुछ आ जाएं, हम ये बना के बाय द वे बॉईल करके ब्लंच करके ब्लेंड करके फ्रीज भी कर सकते हैं, ये तड़के की चीजें हैं, जस्ट आप ऐड करेंगे और गरम गरम सर्व भी कर सकते हैं। ओके ठीक है जी, हम किचन में डिश की तरफ देखें आप किस तरह। अब हम इसको सिर्फ प्याज गलाने तक जो है वेट करेंगे, मतलब ये अच्छे तरीके से इसमें ब्लेंड हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये बनी हुई प्याज है ऑब्वियसली, तो इतना टाइम नहीं लेगी आपके सामने, अभी ये देखें गायब होना शुरू हो गई, झटपट हो गई ना जी, बिल्कुल, और ऐसी इंशाल्लाह अगर हम साथ रहेंगे तो बहुत सारी झटपट रेसिपीज मैं आपके लिए लेके आऊंगी। यहाँ पे कौन सी पसंद है वैसे, एक बात, मुझे बिरयानी बहुत पसंद है, कल हो जाए, बिल्कुल कल बिरयानी बना लेंगे इंशाल्लाह, लेकिन बीफ की होनी चाहिए, चिकन विकन तो बहुत जल्दी गल जाती है जी, बिरयानी वैसे भी बीफ की ही अच्छी लग रही है, ये हुई ना और बात। फिर देखते हैं, अच्छा इसको थोड़ा टाइम देते हैं, कितनी टाइम हुई इसको, हार्डली 5 मिनट्स, ठीक है 5 मिनट्स क्या करेंगे, फिर हम ये हो जाएगा, तो फिर हम अपना जो पनीर है हमारे कॉटेज चीजें हम इसको बात कर लूं और साथ साथ जी बिल्कुल जी हम लोग बात करेंगे। अच्छा अब मुझे बताया किम साहब कि किडनी के जो प्रॉब्लम होती है उसको हम सॉल्व कैसे करें अपने घर में, किचन में चीजें या कुछ भी है, या जैसे एहतियात है तो आपने बता दीजिए, सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पीना, ये नहीं वो हो गया, अब बताएं हम इसको ऐसी कौन सी चीजें खाएं जिससे हमारे गुर्दे जो है स्ट्रॉन्ग हो सके। इसमें ऐसे है सभी के हमने हर वो चीज लेनी है, यानी गुर्दे और जो जिगर के मरीज होते हैं ना, इनमें साले खून पैदा करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि किडनी फेलियर के मरीज जो होते हैं आपने देखा होगा उनका हमेशा ब्लड ही कम होता है, तो लिहाजा ऐसे किडनी फेलियर के मरीज इनको हम तर चीज़ें जो है वो ज़्यादा अलाउ करते हैं, मिसाल के तौर पे ये मौसमी का इस्तेमाल करें, गोभी का इस्तेमाल करें, प्याज का इस्तेमाल करें, बंद गोभी, शिमला मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं, चुकंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्दी लहसुन का इस्तेमाल करें और मूली का इस्तेमाल करें, और खाने के अंदर जो है ऐसी चीज़ें नहीं लें, ख़ास तौर पर रात खाने के बाद ऐसी चीज़ें नहीं लें जो ज़्यादा हार्ड होती हैं। गुर्दे फेलियर के मरीज़ ख़ास तौर पर तवज्जो हो कि उनके लिए ज़रूरी जो हदायत ये हैं कि वो सेब, तरबूज, अंडे की सफ़ेदी, प्रोटीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडे की सफ़ेदी भी ले सकते हैं पेशेंट, ठीक है, फ्रूटर का इस्तेमाल करें, मौसमी का इस्तेमाल कर सकते हैं, फलों के अंदर तो मुरब्बा सेब, गाजर का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि तरसर्द अग्जियात जो होती हैं हम किडनी पेशेंट के लिए करते हैं, गर्म तर भी देते हैं, तर गर्म भी देते हैं, जैतून के तेल का उनको इस्तेमाल बोलते हैं, जैतून का तेल
इसके साथ साथ जो है वो हल्दी को जो है दूध में उबाल के भी ले सकते अच्छा, हैं। अच्छा विटामिन सी में क्या, जैसे कीनू का सीजन आया है क्या, अगर सर एक ऐसा वो है मुझे क्योंकि बहुत पसंद है, जैसे लीमू है, लेमन जो है हम लोग वो ज्यादा से ज्यादा क्योंकि वो तो मेरे में 12 महीने में अवेलेबल होता है, तो मुझे बताया उसे इस्तेमाल कर सकते हैं किडनी के पेशेंट, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। देखिए ले सकते हैं वो, ठीक है एक हद तक ले सकते हैं, लेकिन किडनी के पेशेंट को मैं एक और आपकी गिजाओं के हिस्से से चल रहा है, किडनी का मरीज जो है वो पिस्ता ज़रूर इस्तेमाल करे, क्योंकि पिस्ता जो होता है वो किडनी को बहुत ज़्यादा सेहतमंद करता है। और इसके साथ साथ जो हमारा नारियल है, कच्चा नारियल का खाना और पानी पीना, और इसका पानी पीना किडनी फेलियर के मरीजों के लिए बहुत अच्छा है। और आप खाना किडनी फेलियर का जो मरीज है वो खाना या तो जैतून के तेल में बना के खाए या सरसों के तेल के अंदर भी वो बना सकता है, नहीं तो बेहतर इसके लिए जो भुट्टे का ऑयल होता है जिसको हम कॉर्न ऑयल बोलते हैं, ठीक है कॉर्न फ्लोर ऑयल कुकिंग ऑयल भी बोल सकते हैं, ठीक है भुट्टे का जो ऑयल होता है, मकई का जो होता है वो भी अच्छा है इन ऐसे लोगों के लिए। अच्छा ऐसे लोग जो है वो इनको मैं अक्सर शलजम बहुत अच्छा है इनके लिए, अच्छा ऐसे लोगों के लिए। अच्छा लस्सी जो है वो दही की पी सकते हैं थोड़ी खट्टी, लेकिन जो छाछ वाली जिन इलाकों में से मिलती है वो और ज्यादा अच्छी है। शरबत बजूरी इस्तेमाल कर सकते हैं, मीठी दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके साथ साथ जो है जौ और गंदम का, अच्छा जो जौ का दलिया है ऐसे मरीजों के लिए बहुत अच्छा है, शहद मिला के और पिस्ता अखरोट इसके साथ किशमिश यूज कर सकते हैं, और वो मिला के मोटा मोटा कूट के दूध के अंदर भी ले सकते हैं, दूध का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अच्छा इलाज की तरफ मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि ऐसे मरीज जो गुर्दा फेलियर के हैं या ऐसे मरीज जिनके गुर्दे के अंदर पथरी है, देखिए जहाँ तक पथरियों की बात आए, गाल ब्लैडर जो पित्ते में होने वाली पथरी है, पित्ते में होने वाली रसोलियाँ मैं उसको बोलूँगा अगर सही तरीके से बोला जाए, उसका इलाज विद इन मंथ मुमकिन है अगर मरीज हमारी हदायात के ऊपर चले, एक माह के ऊपर पित्ते की पथरी जो है वो निकल सकती है। अच्छा इसमें एक ये होगा ना तो हकीम साहब देखे जाहिर सी बात है ये जब कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है वो तो होम रेमेडी से निकल जाती है, लेकिन जब ज्यादा सीवियर कंडीशन होती है तो देन हमें फिर प्रॉपर इसका इलाज करवाना चाहिए। आप भी बताइएगा, हम थोड़ा सा किचन की तरफ आ जाते जी। अभी अच्छा जी मैंने यहाँ पे ऑयल ऐड करके इसको थोड़ा अच्छा सा हीट अप कर लिया। अब मैं जो ये पनीर है हमारा कॉटेज चीज है, ये मैंने क्यूब्स में कट किया हुआ है, ये मैं इसके अंदर फ्राई करूंगी और फिर इसका तड़का जो है ये हमारे पालक पनीर में। मुझे वो मैरिएट की पालक पनीर जो है ना वो मुझे पता नहीं कैसे बनाते होंगे लेकिन मजे की लगती है। और अच्छा वेरिएशंस कर सकते हैं आप, क्रीम भी ऐड कर सकते हैं और लहसुन का भी तड़का लगा सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू, लेकिन हम यहाँ पे वो चीज बता रहे हैं जो कि बेसिक है और जो सब इजीली जो है वो बना सकते हैं। हेल्दी डाइट भी है, हेल्दी डाइट भी है और कॉटेज चीज जैसा कि हम सबको पता है कि बहुत अच्छी होती है हमारी सेहत के लिए। सो इसको हम फ्राई करेंगे और इसका तड़का जो है हम अपने अच्छा, पालक पनीर में इसके अंदर बस ये डालना है, ये इसके अंदर डालना है और इसे थोड़ा सा गार्निश करेंगे और फिर डिश आउट करेंगे। क्या बात है जबरदस्त है ना, इसको कितनी देर लगेगी, कोई 2 मिनट लगेंगे, इसका कलर आएगा और हम तो पे रकीम साहब के पास चलते हैं। जी जी साजे साहब जी, जो आपने बात की थी कि लीमू तरंज और लीमू का जो होता है सिरका या इसका रस जो होता है वो फासद मादों को निकालने के लिए अहम किरदार अदा करता है। अगर हम आम तरकारियों में बात करें, शलजम है, बथुए का जो साग है, मूली है और इसके साथ हींग मुफीद है, गुर्दों में जो नाकस फासद मादे होते हैं ना इस अमल को निकालने को वो तहरीक पैदा करती है और उसको तेज़ करता है। अभी बात हो रही थी कि हमारे हर्बल में इसका क्या सलूशन है, देखें जैसे पथरी कितनी भी साइज की मौजूद है सभी गुर्दे के अंदर, पित्ते की तो मैंने बात कर दी ना कि हमारे पास इसका बगैर ऑपरेट इलाज मुमकिन है, तो अभी बात हो रही है कि अगर गुर्दे के अंदर पथरी मौजूद है, पथरी निकल सकती है, वो फास्फेट की हो वो कैल्शियम की हो, पथरी का गुर्दे की पथरी का निकलना मुमकिन है, ठीक है जी। दूसरी बात यह है कि हर्बल के अंदर जो है गुर्दों का मुकम्मल इलाज मौजूद है। देखिए एलोपैथिक के अंदर 2 तरीके हैं, अगर गुर्दा फेल हो जाए तो डायलिसिस है, हफ्ते में 2 बार अक्सर पेशेंट के होते हैं, दूसरा इसमें हल है ट्रांसप्लांट। ओके ठीक है, जब हम टेस्ट करवाते हैं
जिसके अंदर हम BUN यानी कि जैसे मैंने कहा CB को हम खून को देखते हैं ऐसे पेशेंट के, CB टेस्ट करवाते हैं हम उसका, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड भी करवा लेते हैं जी। अगर उसके पास बायोप्सी की किडनी की रिपोर्ट होती है वो भी हमारे लिए फ़ायदेमंद हो जाती है। यानी कि मेरे से किडनी फेलियर के मरीज़ अगर रब्ता करना चाहें वो अगर रिपोर्ट्स हैं वो मुझे भेजें, बाकी नॉर्मली तो हम उससे पूछते ही हैं कि आपका क्रिएटिनिन और यूरिया क्या है, ठीक है। फिर उनको हम हदायत भी करते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जो यूरिया बढ़ाती हैं, क्रिएटिनिन को बढ़ाती हैं, यूरिया को बढ़ाती हैं। पानी इसमें पीने की मकदार कम बताई जाती है ऐसे मरीजों को जो गुर्दा फेलियर में जा रहे हों, लेकिन कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनकी एक किडनी तो ठीक होती है एक ख़त्म हुई होती है। ऐसे पेशेंट को अगर उनका यूरिन पास हो रहा होता है, लेकिन ऐसे मरीजों को हम हदायत करते हैं फिर खाने की कि भाई देखें जिस तरह मैं पहले भी बता रहा था जी। कि ऐसे मरीजों कोई भी एक तो आप मेडिसिन यूज़ करें ना वो ठंडे पानी से ना यूज़ करें। अच्छा, रात का खाना हमेशा लाइट ही खाएं, ठीक है, बहुत ज़्यादा और जल्दी। ऐसे पेशेंट जो गुर्दे के मरीज बनने जा रहे हैं या हो चुके हैं वो अपने सोने के ऊपर खाने का ध्यान बहुत अच्छी तरह रखें। ओके, अर्ली मॉर्निंग खाना खाएं, दोपहर का खाना 11 से 12 बजे के बीच में खाएं, रात का खाना और बहुत टाइम से खा जाएं, और फौरी खाना खाने के साथ अपने बिस्तर पे नहीं जाएं। वर्जिश को आम बंदा भी, सेहतमंद लोग भी जो हैं वर्जिश को अपना मामूल बनाएं। सबके लिए ये बातें मैं बोल रहा हूँ। जबरदस्त। अच्छा, इन्होंने कहा ना कि खाना इस टाइम खाएं, तो खाने से याद आया ये 11 से 12 बिल्कुल 12 बजे मेरा शो खत्म हो जाएगा और आप मुझे डेली देखते हैं मंडे टू फ्राइडे और वो है लाइव 10 से 12 और रिपीट रात को 12 बजे। लेकिन एवरी वेनसडे एवरी यानी कि हर बुध को मेरे साथ होते हैं हकीम साजिद साहब, जिन्होंने कहा 11 से 12 खाना, तो मैं पूछ रही हूँ जैनब से। जैनब, आर यू हैव जस्ट ओनली 2 मिनट्स? जी जल्दी से, हमारी ये फ्राई हो चुकी है, मैं इस पर तड़का लगा रही हूँ, डिश आउट कर रही हूँ और इसकी गार्निशिंग कर रही हूं। आप लगा लें ताकि हम आपको देख लें। ये जी तड़का लगा झड़का और जैनब शेफ जैनब का और इनकी फेसबुक, अच्छा क्या किस नाम से आप फ्लेवर्स बाय शेफ जैनब के नाम से मैं इंस्टा पे भी मौजूद हूँ, फेसबुक पे भी हूँ और मेरा यूट्यूब चैनल। अब इसको डिश आउट कीजिए ना। जी मैं इसको डिश आउट। चले जी, ये देखिए ये तड़का आपने देख लिया और जबरदस्त। जैनब आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन ये डिश बना के आपने यहाँ डिस्प्ले करनी है, हम इसको मजीद कैप्चर करेंगे। हमारे साथ आज शेफ जैनब थी, बहुत शुक्रिया। हकीम साहब आपका बहुत शुक्रिया, टाइम खत्म हो गया बिल्कुल। अब मैं आपका इंशाल्लाह नेक्स्ट वेडनेसडे बुध को हम आपसे ज्वाइन करेंगे जी। नाजरीन, टाइम ऑफ कोर्स पता नहीं अच्छू मंतर हो जाता है, हम पूरी कोशिश करते हैं आपको फुल अवेयरनेस देने की, लेकिन ऑफ कोर्स टाइम बहुत हो गया है, लेकिन अभी जाना कहीं नहीं है क्योंकि इसके बाद कौन सा है, ब्यूटी सेगमेंट, आपका फेवरेट सेगमेंट। लेकिन उससे पहले दे दूं आपको सरप्राइज जी। हाँ, खुशखबरी, खुशखबरी किसकी जानिब से? जी हाँ, हुसैन मार्केटिंग की जानिब से। आप लोग खुश हो जाए, कराची वालों के लिए खुशखबरी नहीं सबके लिए है, लेकिन इत्तफाक की बात है, हम लकी हैं। और लका सवन मॉल में क्या हो रहा है जी, यहाँ बड़ी ज़बरदस्त शॉप अवेलेबल है, आप कांटेक्ट करें हुसैन मार्केटिंग, क्योंकि ये जो लकासा वन मॉल है वो जो है प्राइम लोकेशन पे मौजूद है। और वो लोकेशन कौन सी है जी? ला हमारे पास है राशिद, मेन राशिद मिनास रोड पर, और नियरेस्ट है उर्दू साइंस कॉलेज के करीब, नियरेस्ट है कराची यूनिवर्सिटी के करीब, और मौजूद है मेन FB एरिया यानी कि हमारे पास गुलशन इकबाल इज़ अ फेमस प्लेस, और बिल्कुल बराबर में है लकी वन मॉल के एंड अपोजिट है UBL स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के, और बहुत सारा नीपा भी करीब है वहाँ से, और वहाँ से करीब है गुलशन इकबाल और फिर आगे अलादीन पार्क, इनके सारी जगहों से ये बहुत प्राइम लोकेशन पर मौजूद है और रौनकों वाली जगह है, और आपका बिजनेस यहाँ से शुमंतर यानी कि ऊपर से ऊपर जाएगा, क्योंकि हम जब जिस मार्केटिंग की बात करें वो है हुसैन मार्केटिंग। जब भी हुसैन मार्केटिंग का नाम आया तो नाम आया द नेम ऑफ ट्रस्ट का, तो आप इन पर एतबार भी कर सकते हैं, एतमाद भी कर सकते हैं। और स्पेशली मैं गई थी मिलने किससे जी, जुनेद अब्बासी साहब से, उन्होंने मुझे बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन दी, किसके बारे में, लकासा वन मॉल के बारे में, जिन्होंने ये कहा बड़े कॉन्फिडेंट होके, क्योंकि ऑफकोर्स 80% ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है, तो इसीलिए फौरन आप लोगों ने बुकिंग करवानी है और रब्ता करना है, नंबर भी स्क्रीन पर मौजूद है। इसके अलावा जब मैं जुनेद अब्बासी साहब से मिली तो उन्होंने कहा कि सिर्फ हम शॉप नहीं दे रहे बल्कि बिजनेस प्लान भी दे रहे हैं। लेट्स सी, उनका देखते हैं एक ज़बरदस्त इंटरव्यू।